तो याद रखना मेरे साथियों, पहला टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, डोनी पोलो हवाई अड्डा। जो डोनी पोलो हवाई अड्डा है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्या नाम है, तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने, कहाँ पर, तो पेमा खांडू ने अपने ईटानगर में, कहाँ पर, ईटानगर में तीसरे हवाई अड्डे के रूप में किसको अनुमति प्रदान की है, तो वो दिया है अनुमति डोनी पोलो हवाई अड्डे को। किसको, डोनी पोलो हवाई अड्डे को अनुमति प्रदान की है। ये हवाई अड्डा कहाँ बनेगा मेरे साथियों, तो याद रखिएगा ये हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बनेगा। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बनेगा। नाम क्या है उसका, डोनी पोलो हवाई अड्डा। याद रखेंगे, एकदम याद रखिएगा, कौन सा है, डोनी पोलो हवाई अड्डा। क्लियर, चलो अब अगला देखो मेरे साथियों, अगला दूसरा मुद्दा है सेना, रिजर्व बैंक और प्रधानमंत्री, भारत के सबसे भरोसेमंद संस्थान। मेरे साथियों एक रिपोर्ट आई है, कौन सी रिपोर्ट आई है याद रखिएगा, जो रिपोर्ट आई है मेरे साथियों वो रिपोर्ट है इप्सोस इंडिया, और इस सर्वेक्षण के अनुसार इसने बताया है कि हमारे यहाँ का जो सिक्योरिटी है, रक्षा बल है, जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री, ये देश के तीन सबसे भरोसेमंद संस्थान। वहीं सुप्रीम कोर्ट को कौन सा स्थान मिला है, चौथा। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI को पांचवें स्थान पर रखा गया है, और कम से कम दो तिहाई लोगों के मत के साथ रक्षा बलों को पहला स्थान प्रदान हुआ है। और ये रियल वे में देखा जाए तो एकदम उनको सही, और सही मायने में उनको स्थान प्रदान किया गया, क्योंकि वही तो सारे देश की सुरक्षा में लगे हैं मेरे साथियों। इसके बाद करीब 50% लोगों ने RBI पर भरोसा जताते हुए उसको कौन सा स्थान पर रखा है, दूसरे स्थान पर रखा है। तो याद रखिएगा, पहले नंबर पर कौन है, हमारे जाबाज सिपाही हैं, दूसरे नंबर पे कौन है, RBI है, तीसरे नंबर पे कौन है मेरे साथियों, तो प्रधानमंत्री का पद है। कौन है, प्रधानमंत्री का पद है मेरे साथियों, है ना, किसका पद है, किसका पद है, किसका पद है मेरे साथियों, तो प्रधानमंत्री जी का पद है। याद रखिएगा, ये तीन बातें आपको एकदम याद रखनी है। किसने किया है ये सर्वे, इप्सोस इंडिया ने सर्वे किया है। किसने, इप्सोस इंडिया ने ये सर्वे किया है। किसने सर्वे किया है, इप्सोस इंडिया ने ये सर्वे किया है मेरे साथियों। क्लियर है,